सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकने वाले पेलिकन दरअसल अपने रहने की जगह का चुनाव वहां करते हैं जहां खाने की भरमार होती है। मेटिंग के वक्त एक मादा के साथ जोड़ा बनाने वाला नर घोंसला बनाने के लिए सामान जुटाता है। कुछ स्पीशीज अपने सिंपल घोंसले पेड़ों पर बनाती हैं और कुछ जमीन पर। अंडों को सेने का काम दोनों पेरेंट्स करते हैं और करीब एक महीने बाद अंडे से चूजा निकलता है। चूजे की देखभाल भी दोनों पेरेंट्स मिलजुल कर करते हैं। ये चूजे के सिर को अपनी थैली में लेकर शिकार की जुगाली करके उन्हें खिलाते हैं। मछलियों की कम होती संख्या के असर को पेलिकन्स बुरी तरह झेल रहे हैं। ये तैरते मलबे में फंस जाते हैं जो कभी कभी जानलेवा साबित होता है। फिर भी ये माहिर पक्षी अपनी ऊंची उड़ान भरने में कामयाब है और दुनिया भर में इनकी ज्यादातर स्पीशीज की गिनती कायम है। मास्टर्स ऑफ द स्काई, वेज टेल डीगल। शिकारी पक्षियों में ईगल्स यानी गरुड़ सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी हैं। पूरी दुनिया में इनकी 60 स्पीशीज हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में आसमान पर जिसकी हुकूमत चलती है वो है वेज टेल डीगल। पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ताकतवर वेज टेल डीगल अपने इलाके पर ऊपर से राज करते हैं। कम घने जंगल वाले इस इलाके में शिकार को ढूंढना आसान होता है। हवाबाज कहलाने वाले ईगल हॉक्स 1800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं। पंखों को फड़फड़ाए बिना घंटों तक मंडरा सकने वाले ये ईगल हॉक्स नीचे के जीवों पर हावी रहते हैं। औसत वजन को देखते हुए तकरीबन 5 किलोग्राम वजन के वेज टेल ईगल की बनावट हल्की ही है, लेकिन अपने लंबे पैमाने की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है। 1 मीटर से ज्यादा लंबे और पंखों के तकरीबन 3 मीटर फैलाव के साथ वेज टेल ईगल बेहतरीन हवाई शिकारी है। शिकार को लाचार कर देने वाले नुकीले नाखूनों की जकड़ में इंसान के हाथ से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। मुड़ी हुई मजबूत चोंच हड्डी पर से मांस नोचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्राणी जगत में सबसे ज्यादा पैनी नजरों में गिनी जाने वाली इनकी नजर की वजह है इनकी बड़ी बड़ी आंखें। ईगल हॉक शिकार का चुनाव सुविधा को देखते हुए करते हैं। इनके खाने में मैमल्स, रेप्टाइल्स और दूसरे पक्षियों के शव तक शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला खरगोश वेज टेल ईगल की पसंदीदा खुराक है। कभी कभार शिकार ईगल की मौजूदगी को भांप जाता है और बचने की कोशिश करता है। वो ईगल के फुर्तीलेपन के सामने अपनी किस्मत आजमाता है। शिकार करने के बाद ये पेड़ों पर ऊपर डेरा जमाए या किसी खुली जगह पर बैठे आने वाले अगले मौके के लिए हमेशा होशियार रहते हैं। वयस्क वेज टेल ईगल्स जिंदगी भर के लिए एक ही साथी बनाते हैं।
ये रहने की जगह का चुनाव करते हैं और वहां साल दर साल वापस आते हैं और घुसपैठियों से उसका लगातार बचाव करते हैं। ब्रीडिंग करने की जगह से परे रहने वाला ये जाना पहचाना इलाका है जहां ये शिकार करते हैं। 100 वर्ग किलोमीटर में फैले इस घर की रखवाली उतनी अच्छी तरह से नहीं होती जितनी की घोंसले की होती है, लेकिन मालिक होने के हक का दिखावा हवा में ऊंचाई पर मंडराते हुए किया जाता है। मवेशियों को टारगेट बनाने के लिए कभी इन्हें सराहा गया। इस तरह वेज टेल्ड ईगल्स को इंसान की हरकतों से कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ। इलाके में नई स्पीशीज आई तो इनके लिए पेट भरने का सामान और बढ़ गया। जंगल के कटने से शिकार करने का इलाका भी बढ़ा, लेकिन फिर भी घर के इलाके में होने वाले बदलावों ने ईगल की ब्रीडिंग साइकिल्स पर बुरा असर डाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हैरतअंगेज करने वाले ये शिकारी हमारे आसमान पर मंडराते रहे। मास्टर्स ऑफ द स्काई बानाउल। छल के लिए बनी बनावट वाले बार्न आउल यानी उल्लू में आए बदलाव अलग अलग आवासों में इतने कामयाब साबित हुए कि आज ये पक्षियों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पीशीज में से एक है। ये अंधेरे में शिकार करते हैं। दुनिया में कुछ ही शिकारी हैं जिनके पास उल्लू की तरह के हथियार हैं। बहुत ज्यादा विकसित इनकी सुनने की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका चपटा रेडार की डिश जैसा चेहरा हल्की सी आवाज को भी कानों की तरफ भेज देता है। उल्लुओं को गोस्ट आउल्स भी कहा जाता है और इसकी वजह है डरा देने वाली इनकी धीमी और खामोश उड़ान, नन्हे दांतों वाले पंखों के साथ नरम पंख जो इनके ऊपर की हवा के बहाव को काटते हैं और इनकी उड़ान से आसमान में होने वाली हलचल को कम करते हैं। यही वजह है कि उल्लू उड़ते वक्त भी सुन सकते हैं। ये शिकार की गतिविधि के मुताबिक अपना रास्ता बदल लेते हैं और शिकार को उल्लू की बेआवाज मौजूदगी की भनक तक नहीं लगती। पेड़ों की टहनियों से या ऊंचाई वाली दूसरी जगहों से ये आसपास के इलाके को छानते हैं। उल्लू को जमीन पर रहने वाले जीव पसंद है जिनमें चूहे उनका मन पसंद शिकार है। जमीन पर होने वाली सरसराहट हो या बर्फ के नीचे की हलचल, इस पक्षी के कानों की ताकत से कुछ भी नहीं बच पाता। एकदम सही निशाने के लिए अपने लंबे चौड़े पंखों का इस्तेमाल करके उल्लू शिकार तक पहुंचता है, अपने बड़े लंबे नाखूनों को खोलकर फैलाता है और शिकार को झपट लेता है। रात को शिकार करने के हुनर को बढ़ाने के बावजूद उल्लू को समझदार जीव कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बर्ताव में माहौल के मुताबिक बदलाव कर लेता है। पक्षियों में सबसे ज्यादा जगह पाई जाने वाली ये स्पीशीज एंटार्क्टिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। कुछ जगहों पर ये शिकार की आदतों को देखते हुए दिन की रोशनी में भी खूब चौकन्ना रहता है। अंधेरा हो या रोशनी, जरूरत से ज्यादा बड़ी आंखें इन्हें पहनी नजर देती हैं। आंखें चेहरे पर सामने की तरफ होती हैं, लेकिन उल्लू ने आसपास के माहौल को छानने के लिए अपने सिर को घुमा सकने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। सिर को करीब 270 डिग्री घुमा सकने वाले उल्लू अपने धड़ को बिना हिलाए पीछे भी देख सकते हैं और इस तरह इनकी मौजूदगी की भनक देने वाली आवाज और कम हो जाती है। खुले इलाके को पसंद करने वाले इन पक्षियों को खेती से बहुत फायदा हुआ। चूहों को खाने वाले इन पक्षियों को खेतों के आसपास रहने के लिए उकसाया गया। इंसान के लिए ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह हैं।
हालांकि चूहों को मारने वाली दवाइयां उन लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी जिंदगी की लड़ाई में जीतने वाले इन पक्षियों का भविष्य सुरक्षित है। तुझे भी मास्टर्स ऑफ द स्काई वल्चर। वल्चर यानी गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जिसे पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये जमीन के इकोसिस्टम्स में बेहद जरूरी लेकिन अच्छा ना समझा जाने वाला काम संभालता है और उसके लिए आसमान का इस्तेमाल करता है। गिद्ध की 23 स्पीशीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के अलावा दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। ये अपने बसेरों से माहौल को छाने या विशाल इलाकों पर नजर रखने के लिए ऊंचाई पर मंडराए। आसमान के ये स्कैवेंजर्स यानी मृत भक्षी जीवों के शवों को ढूंढने के लिए अपनी पैनी नजर और सूंघने की तेज ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जिंदा जीवों पर बहुत कम हमला करने वाले ये गिद्ध सिर्फ शवों को खाते हैं। रैप्टर फैमिली के ये अनोखे मिलनसार सदस्य बार बार अपने अंडों पर आते हैं और बड़े झुंड बनाकर खाना खाते हैं। इनके मिलनसार बर्ताव का फायदा तब होता है जब ये जमीन के अपने से ज्यादा खतरनाक मृत भक्षी पर नजर रखते हैं। हालांकि जमीन पर रहने वाले मृत भक्षी अक्सर अनजाने में ही गिद्धों की मदद कर देते हैं। जब इनके मुकाबलेबाज सख्त कंकाल को चीरते हैं तो कमजोर पैरों और चपटे नाखूनों वाले गिद्ध पास में ही बड़े सब्र के साथ खड़े रहते हैं। अपने बेहद ज्यादा नाशक स्टमक एसिड की बदौलत गिद्ध सब्र रख सकते हैं। ये सड़े हुए उस गोश्त को पचाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए जानलेवा होता है। नापसंद किए जाने वाले ये पक्षी बचे खुचे गोश्त को खा लेते हैं और सड़ते कंकाल से फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगा देते हैं। बीमार और कमजोर जीव को ढूंढने के लिए आसमान को इस्तेमाल करने वाले इन गिद्धों ने दरअसल जीवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठा ली है। पंख उड़ने और खाना ढूंढने के लिए तो जरूरी है, लेकिन खाना खाने में इनसे अड़चन हो सकती है। अनोखे गंजे सिर वाले गिद्धों को पंखों पर चिपके पैरासाइट्स और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन का डर नहीं होता और वो मजे से पेट भरते हैं। गिद्धों की कई स्पीशीज जानबूझकर अपने पैरों के पास पेशाब करती हैं, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाएं जो पैरों पर हैं। अपने बेहद ज्यादा लचीले डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बावजूद गिद्धों की आधी से ज्यादा स्पीशीज को जीवों की उन दवाइयों से खतरा है जो मवेशियों को दी जाती हैं और जो खाने के साथ गिद्धों में तेजी से पहुंच रही हैं। ये पक्षी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें बचाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, जिससे ये उस दुनिया के इकोसिस्टम्स को कायम रखने में अपनी अनोखी भूमिका को निभाते रहे जो हम सबका घर है। Masters of the sky, hummingbird. पक्षियों की एक स्पीशीज है जिसने उड़ान को कला कौशल के लेवल्स तक पहुंचा दिया और वो है हमिंगबर्ड यानी मरमर पक्षी। हमिंगबर्ड सबसे छोटे पक्षियों में से है और इनकी 300 से ज्यादा स्पीशीज अमेरिका के इनके आवासों में पाई जाती हैं।
ये अपने पंखों को एक सेकंड में तकरीबन 50 बार फड़फड़ाती हैं। इनके इस नाम की वजह उड़ान भरने के दौरान पंखों से निकलने वाली गूंज ही है। पंखों को तेजी से फड़फड़ा सकने वाला ये हवाई कलाकार कुछ बेहद ज्यादा अनोखे करतब दिखाता है। हमिंगबर्ड हर दिशा में उड़ान भर सकती है, जिसमें पीछे और उल्टी तरफ भी शामिल है। दरअसल ये पक्षी वाकई बेमिसाल है। मंडराने में माहिर इन पक्षियों का मुकाबला कुदरत में कोई नहीं कर सकता। हमिंगबर्ड्स पौधों के पराग को खाती हैं। खाने के इस तरीके का फायदा पक्षी और पौधे दोनों को होता है। कई हमिंगबर्ड्स तो सदियों से पौधों के साथ ही विकसित हुई हैं। पौधों पर खास आकार और रंग के फूल खिलते हैं और उन तक पहुंचने के लिए पक्षी के पास एक खास चोंच होती है। हमिंगबर्ड्स की दूसरी खूबी है रफ्तार। मादाओं को रिझाने के लिए नर आसमान से गोता लगाता है और दुनिया में वर्टिब्रेट वर्ग का कोई भी जीव इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। सर्दियों के महीनों में खाने की भरमार वाले इलाकों में पहुंचने के लिए हमिंगबर्ड्स लंबी दूरी तय करती हैं। साइज को देखते हुए हमिंगबर्ड की कुछ स्पीशीज का ये माइग्रेशन पक्षियों में सबसे लंबा है, लेकिन इन्हें अपने हवाई हुनर की कीमत चुकानी पड़ती है। कीटों को छोड़कर उड़ान भरती हमिंगबर्ड्स का मेटाबॉलिज्म सभी जीवों से ज्यादा होता है। इन्हें हर रोज अपने वजन से ज्यादा पराग खाना पड़ता है। खाना बिना जोखिम मोल लिए नहीं मिलता। ऊर्जा के लेवल को बनाए रखने के लिए हमिंगबर्ड्स को सैकड़ों फूलों पर जाना होता है, जिसमें उन्हें शिकारियों के खतरे को झेलना पड़ता है। लेकिन पक्षियों की दुनिया में अनुपात में सबसे बड़े दिमाग वाले इन पक्षियों को हर वो फूल याद रहता है जिस पर वो गए हैं, और ये पराग के भरपूर होने के वक्त का अंदाजा भी लगा लेते हैं। इनके अंडे पक्षियों में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन बॉडी के साइज को देखते हुए हमिंगबर्ड के अंडों को बड़ा कहा जा सकता है। स्पाइडर सिल्क से बने इनके घोंसले चूजों का साइज बढ़ने पर फैल सकते हैं। बच्चों को पालने पोसने का सारा काम मादा अकेले करती है। अंडों से चूजे निकलने से लेकर इनके घोंसले छोड़ने के बीच का वक्त हमिंगबर्ड की जिंदगी का सबसे नाजुक दौर होता है। जलवायु में बदलाव वो सच्चाई है जिसकी वजह से हमिंगबर्ड्स आज खत्म होने के कगार पर हैं। ये पक्षी अब अपने नॉर्मल इलाके से बाहर की जगहों पर दिखाई देने लगे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हमिंगबर्ड्स की खाना खाने की आदत पर बुरा असर पड़ा है। इस अनोखे पक्षी की शोहरत ही शायद इसके बचाव की वजह है। इन्हें चाहने वालों द्वारा लगाए गए आर्टिफिशियल फीडर्स मुश्किल वक्त में कुछ पक्षियों को तो राहत दे ही देते हैं।